कोरोना के संकट में एक तरफ जहां लोग अपनों को खो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति भी काफी खतरे में आ गई है। लोगों के पास से नौकरियां चली गई हैं, तो कुछ लोगों के पास खाने तक को नहीं है। ऐसे में देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि पैसे कहां से आएं ताकि देश इस आर्थिक संकट से निकल सके। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रिजर्व बैंक व सरकार के सामने अब यह समस्या है कि उसको और अधिक पैसे छापने चाहिए या नहीं, क्योंकि भारत में पैसा छापने का काम रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। अधिक नोट छापने को तकनीकी भाषा में क्वांटिटेटिव इंजिंग कहते हैं। इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने कहा कि इस समय रिजर्व बैंक को अधिक पैसा छापना चाहिए। पैसे की जरूरत दो स्तर पर है, अर्थव्यवस्था के निचले तबके के लिए और कोरोना महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में नौकरी के सुधार के लिए। अगर रिजर्व बैंक अभी समय पर पैसा नहीं छापेगा तो कब छापेगा? अभी देश को इसकी जरूरत है। आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास ने कहा है कि हमें अभी पैसा छापने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अगर इस समय अधिक पैसा छापा तो महंगाई बढ़ने का डर होगा, जिससे आर्थिक विकास को क्षति पहुंच सकती है। कई देशों ने आवश्यकता होने पर अधिक पैसा छापने का काम भी किया है, लेकिन सफल नहीं हुए। अमेरिका ने इसमें सफलता हासिल की है, तो वहीं वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों को इसके बहुत ही घातक परिणामों का सामना करना पड़ा है। जयपुर से शिल्पी मित्तल की रिपोर्ट।